पाकिस्तानी जासूस क्वाडकॉप्टर भारत दाखिले के बाद वापस। भारतीय फौज का अपना दावा ही जग हसाई का सबब बन गया। भारतीय फौज ने पाकिस्तान का जासूस क्वाडकॉप्टर मकबूजा जम्मू कश्मीर में दाखिल होने का दावा कर दिया और कहा कि हदूद में दाखिल होने के बाद वापस भी रवाना हो गया, जिससे इसकी जग हसाई भी हो रही है। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक BSF की तरफ से दावा किया गया है कि पाकिस्तान की तरफ से क्वाडकॉप्टर्स अर्निया सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार गया और जब BSF की तरफ से इस पर फायरिंग की गई तो क्वाडकॉप्टर फौरी तौर पर वापस पाकिस्तान में चला गया। रिपोर्ट के मुताबिक क्वाडकॉप्टर सुबह सवेरे 4 बजे के करीब लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके मकबूजा जम्मू कश्मीर में गया था। BSF का कहना है कि पाकिस्तानी जासूस क्वाडकॉप्टर इलाके की निगरानी के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल के पार आया था। ये जीरो लाइन और लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगी बाड़ के दरमियान में था जब इसे देख लिया गया और इस पर फायरिंग की गई, जिसके बाद ये वापस पाकिस्तान चला गया। वाज़ह रहे कि जब भी भारत का जासूस क्वाडकॉप्टर पाकिस्तान आया है तो वो बचकर नहीं निकला, लेकिन पाकिस्तान के एक जासूस क्वाडकॉप्टर को भारत की फौज उड़ा नहीं पाई। इसलिए भारतीय अवाम भी मोदी सरकार और फौज से नाखुश है कि इतनी अनप्रोफेशनल फौज और इतनी अनप्रोफेशनल गवर्नमेंट हमें कैसे मिल सकती है, जबकि इससे यही वाजह है कि भारत ने खुद पाकिस्तान को क्वाडकॉप्टर वापस कर दिया।